इतनी घबराहट आ गई है कांग्रेसियों में कि हमारी सभाओं में पत्थर मार रहे हैं। लेकिन भाजपा ही सबसे घबराने वाली नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता भी इससे घबराने वाला नहीं है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब कोई दीवाना है या नहीं है इसे आप दरकिनार कर दीजिए, हम बात करेंगे आज पत्थर पे। दरअसल कल सुपेला में पथराव हुआ, पत्थर बरसाने वाले इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने सिर्फ 4 से 6 ही पत्थर बरसाए। आज मुद्दा पत्थर बन गया है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आपको उस पथराव की झलकियाँ दिखला देते हैं। घबराहट आ गई है कांग्रेसियों में कि हमारी सभाओं में पत्थर मार रहे हैं। इससे भी बड़ा भी है, इससे भी बड़ा गिरा है। आज महिलाओं को लगाया है, भाजपा की इतनी बढ़ रही है, घट रही है, ये उसका परिणाम है। सामने भीड़ पर पत्थर फेंकने की राजनीति, ये खेल बरसों पुराना है। अगर आपको उपद्रव कर रहे हैं, अगर किसी आम सभा या रैली में पथराव करवाना हो तो वो आप आसानी से करवा सकते हैं। उपद्रव प्रायोजित भी हो सकता है। प्रायोजित कैसे? पथराव वो भी करवा सकते हैं जिन्होंने खुद उस सभा का आयोजन किया हो। पथराव वो भी करवा सकते हैं जिन्हें वो सभा या रैली पसंद ना आ रही हो। पथराव वो भी करवा सकते हैं जिनका मकसद सिर्फ मजा लेना हो। ऐसे ही लोग थे जिन्होंने वंदे भारत पे भी पथराव किया। पथराव करने वाले की श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं ये आप और हम तय नहीं कर सकते। खैर, कल जो सुपेला के गदा चौक में पथराव हुआ वो समझ से परे नज़र आता है। क्यों? दरअसल भाजपा सत्ता में नहीं है तो इतना आक्रोश होकर उसका विरोध करना ये कोई लाजमी नहीं लगता। रही बात कांग्रेस की, तो वो पथराव कर भाजपा को TRP लेने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं देगी। ये संभावना हो सकती है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बेलगाम जुबानी हमला कर रहे हैं। सुपेला के पास गदा चौक का वो इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पथराव हुआ। पथराव करने वाले इतने संवेदनशील निकले कि उन्होंने सिर्फ 4 से 6 ही पत्थर फेंके और इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, वरना कोई सिर पर पट्टी बांधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाइट देता नजर आता। इस पथराव के बाद केवल एक चीज़ हो पाई कि भाजपा के जिला अध्यक्ष एक पत्थर उठाकर कांग्रेस पर आरोप लगा पाए। जब ये सारा मांझरा हो रहा था तो हमारी टीम के कैमरा पर्सन सचिन मोरे वहाँ पर मौजूद थे, जो अपनी आँखों से और अपने कैमरे में ये सारी चीज़ें कैद कर रहे थे। क्या मूवमेंट चालू हुआ है भिलाई के अंदर, उससे घबराहट फैल गई है, उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता हाथ से खिसक रही है और ये उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा ही सबसे घबराने वाली नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता भी इससे घबराने वाला नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता दुगनी गति से काम करेगा और 2023 में इस भूपेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। आजकल पथराव की राजनीति ने बहुत जोर पकड़ा हुआ है। दरअसल लोगों को गुस्सा तो तब आता है जब TV पर बेलगाम नेता झगड़ा करते नजर आते हैं। अब इस झगड़े को देखकर वो आवेश में आकर अपने घर की TV तो फोड़ नहीं सकते, लिहाजा वो अपना गुस्सा कहीं और निकालते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पथराव का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बसों पर पथराव हुआ। कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने पथराव कर दिया। अलीगढ़ में मस्जिद पर पथराव हुआ तो संभल में कांवड़ियों पर छत से पत्थर बरसाए गए। गालियां देना और पत्थर फेंकना कमज़ोरों का हथियार है। लोग ये रास्ता तब चुनते हैं जब किसी के खिलाफ उनका कोई जोर नहीं चलता। उसका मन तो करता है कि आगे बढ़ें और वाही तबाही बकने वाले का मुंह नोच लें, पर हालात उसका रास्ता रोकते हैं। ऐसे लोग भी पत्थर मार सकते हैं, पर वो निशाना लेकर पूरी तरह से पत्थर फेंकते हैं। जो ऐसा कर पाते हैं वो या तो शहीद हो जाते हैं या फिर नेता बन जाते हैं। घबराहट आ गई है कांग्रेसियों में कि हमारी सभाओं में पत्थर मार रहे हैं। इससे भी बड़ा भी है, इससे भी बड़ा गिरा है। आज महिलाओं को लगाया, भाजपा की इतनी बढ़ रही है, घट रही है, ये उसका परिणाम है। सामने आज सरकार में बैठने के बावजूद भी उनको इतना भय व्याप्त हो गया है, जो एक हफ्ते से 10 दिन से BJP का मूवमेंट चालू हुआ है भिलाई के अंदर, उससे घबराहट फैल गई है। उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता हाथ से खिसक रही है और ये उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा ही सबसे घबराने वाली नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता भी इससे घबराने वाला नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता दुगनी गति से काम करेगा और 2023 में इस भूपेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा और कमल को खिलाएगा।
तो देखते हैं ये पथराव की राजनीति और कहां कहां तक जाती है और कहां कहां तक आग लगाती है। आगे के अपडेट से बने रहने के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।